जैसे जैन चौधरी क्या होगा वैसे ही होगा। ये तो दादा पे पोता जाई है पहले से, गाँव में भी जावे जी। और काका श्री राष्ट्रीय लोकदल, राजकुमार सांगवान भाई आन बान शान है। सीट दे दी चार, टिकट टिकट हम लेंगे भाई, मेरा कोई मतलब नहीं। लोकदल के साथ है स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम पहुंचे हैं मेरठ जिले के गांव कुसेड़ी में, और यहां पर देखिए इस समय जाट बाहुल्य ये गांव है, हुक्का चल रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो चौधरियों की शान होती है हुक्का, और देखिए यहां पर लड्डू बट रहे हैं। आप पूछेंगे किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि यहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान का टिकट कंफर्म हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरह से जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल को बागपत और बिजनौर सीट दी गई, और कल ये घोषणा होती है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इस खुशी में गांव के जो लोग हैं वो लड्डू बांटकर खुशी मना रहे हैं। अब टिकट तो मिल गया, आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और यहाँ गाँव में किसका रुझान है, इस पर हम चर्चा करेंगे इन्हीं लोगों से। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? क्या लगता है क्या रुझान है, जिस तरह से आप खुशी तो आप ऐसे मना रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए हो, तो क्या टिकट मिलने से ही आपको लगता है कि हाँ वो जिसको टिकट मिला है उन्हीं को ऐसे जीत मिलने वाली है? 99% जी, 99% जीत नहीं मिली, उन्हें मिलनी है। तो जो गठबंधन हुआ है बीजेपी का और राष्ट्रीय लोकदल का, इस चीज से आप खुश हैं? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। और कुछ हम देख रहे हैं कि एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि बहुत गलत काम कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, उन्हीं के साथ में रहना चाहिए था। ये तो राजनीतिक बात है, ये तो उनकी बात है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। उनका किस तरह का टुच्चा किस तरह बना, तो ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात, और लोग बात इस बात से भी खुश है। अब क्या नाम है, जितना खुश चौधरी कृष्ण के चौधरी जैन चौधरी के मिलने से उतना मिलने से खुश हुए, ज्यादा खुश सामान के टिकट मिल लेते। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है, या फिर उनको मुद्दा बनाया जा सकता है? आपकी नजर में कोई मुद्दे हैं ऐसे? मुझसे तो बस ये खराब नहीं है, सोचे कि ये अपना कैंडिडेट है और ये जैसे भी हम इससे करेंगे, जैसे भी हम इसके पास में जाओगे, वैसे ही हमारे लिए सबने खुश रखा। चलिए, मुद्दे तो अपने अलग अलग टाइम पे अपनी बात होती रहेगी, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट बैठे हैं, जैसे नेता साथ में बैठे हैं, बैठ के ये बताओगे भाई ऐसा काम करो ऐसा करो, तो ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दे पे बैठ के बात होती रहेगी। अब एकदम तो ये मुद्दे आवे नहीं सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं। जी आपका क्या नाम बताओ? रविंदर सिंह। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से गठबंधन हुआ उसके बाद में टिकट का वितरण भी हो गया, कैसा कदम है ये? बहुत बढ़िया। तो कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इस बार? 99% मान रहे हैं, और साल तो राय तो हर साल ही देते, टिकट देने में जा रहे मजा राजकुमार सांगवान जी, बेजाय खुशी हो गया। देखिए आपको बता दें कि वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं सत्यपाल सिंह, और पिछली दो योजनाओं से वो चुनाव जीते आ रहे हैं। 2014 में भी उन्होंने चुनाव जीता, 2019 में भी चुनाव जीता। वो चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां से खुद जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार के समीकरण बिल्कुल अलग बन चुके हैं। इस बार जयंत चौधरी खुद बीजेपी के साथ में आ चुके हैं, और अब राष्ट्रीय लोकदल को ही, क्योंकि यहाँ बागपत सीट जो है वो परंपरागत सीट मानी जाती है, चौधरी चरण सिंह भी यहाँ से सांसद रहे, अजीत सिंह भी यहाँ से सांसद रहे, और जयंत चौधरी अब जब बीजेपी के साथ में आ गए हैं, टिकट का वितरण हो गया है, तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है गांव में।
और क्या लगता है दाऊजी, कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जो आपको उम्मीदें हैं अपने जयंत साहब से कि वो गठबंधन करने के बाद में उन पर खड़े उतरेंगे? मुद्दे तो शायद आते हैं, उनका काम अफसर है, मुद्दे फिलहाल तो कुछ भी हम ना दिख रहे हैं। हम सभी किसान इस बात में चाहते हैं गन्ना गिरने के चौधरी दिन हमारा पेमेंट होगा। चलिए, तो मतलब आपको उम्मीदें हैं जो चौधरी साहब अब गए हैं बीजेपी के साथ में, कुछ करेंगे आपके लिए? करेंगे, तो उनके साथ में इतनी सहानुभूति लोगों की जुड़ी हुई है, उनके उनके दादा ने किया, उनके बाप ने किया, और वे भी करेंगे, तो इतनी सहानुभूति तो उनके साथ में है ही। और इस जाट तबके की, और खास तौर से उन्होंने टिकट मिलने का कारण भी है क्योंकि बीजेपी भी बहुत होशियार पार्टी है, उन्हें ये जांच लिया था। अब जाट लोगों की सिंपैथी चौधरी चरण सिंह के परिवार के अलावा और किसी तक हो नहीं सकती, तो बीजेपी वो टाइम नहीं आया था, लेकिन बीजेपी सन 2014 से ही है जी अजीत सिंह ने भी मिलाना चाहती थी, लेकिन वो टाइम नहीं आया, बस वो समय पहले नहीं आया था। अब ये कहना चाह रहे हैं वो तो कोशिशें लगातार जारी रही 2014 में, 17 में, 22 में भी, 19 में भी, वो समय नहीं आया था जी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गठबंधन भी हो गया, टिकट भी मिल गया लोकदल को, कितनी उम्मीद है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब जितने मुद्दे हुआ करते थे पुराने वो सारे खत्म हो गए? मुद्दे हमारे कई ना, जो पेमेंट का मुद्दा ना, जो अच्छा और हमारा भाई मुद्दा बहुत था। अच्छा, और आवारा पशु का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता है, आप ऐसे ना दो चार तो है, अरे हम ही छोड़ देंगे ना, वो छोड़ ऐसा भी है क्या? तो मतलब ऐसा भी है कि जैसे अभी तक ये बड़े मुद्दे हुआ करते थे, देखिए मैं भी गाँव गाँव जाता हूँ, और जैसे जो जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, तो ये ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो गया या फिर इनके ऊपर काम किया जा रहा है? अच्छा, नहीं वही जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुद्दे जो थे मतलब अब खत्म हो रहे हैं, हमारा पशुओं का हमारे गांव में तो कोई मुद्दा है तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस बार गठबंधन के बाद में, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप यहाँ से? जितनी चौधरी चरण सिंह की हुई थी पहले जी, इतनी बड़ी जीत। अच्छा, गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा? नहीं, जो विपक्षी गठबंधन है समाजवादी पार्टी, जो कहावत है कि बात चल रही है मीडिया में भी, दो लड़के यूपी के साथ में आए, एक बार पहले भी साथ आए थे 2017 में, इस बार फिर साथ में आए हैं, तो मतलब कुछ जोड़ी उनकी सरकार नहीं होगी? होगा, सरकार होगी, होगा, सरकार होगी, जोड़ी तो पहले भी आई थी अजीत सिंह की, राहुल ने जयंत ने कह रहे हैं, तो राहुल ने अजीत सिंह पीछे हट गया, मुख्यमंत्री मैं राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, उनकी कुछ नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ तो है नहीं कोई कांग्रेस का, कोई जगह नहीं ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ तो जैसा चौधरी साहब के जमाने में राय दिए करने के पहले इसी तरह राय पड़ेगी। अच्छा, इतनी खुशी जनता में है हमारे क्षेत्र में, इतनी कभी पहले चौधरी साहब का, और बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, जयंत साहब ने राज्यसभा में एक बयान दिया था कि देश के प्रधानमंत्री में मुझे अपने दादा की छवि नजर आती है, तो क्या वो बात सही है? हमने आ रही है। हाँ जी, हमने भी आ रही है। अच्छा, वही चौधरी वाली आ रही है, जयंत में नहीं आ रही, वही छवि आ रही है, और ईद तो पूरी होगी। अच्छा, ईद तो बहुत खुशी तक होगी, बहुत बढ़िया कदम है, बहुत बढ़िया कदम लिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया लिया, और बड़े बढ़िया टाइम पे लिया, टाइम भी बहुत बढ़िया आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जय श्री राम। क्या नाम आपका? बैठते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। बीजेपी के आदमी है, लोकदल के आदमी, पहले मुझे बताओ। अनिल कुमार काका श्री, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, राजकुमार सांगवान, भारी आन बान शान है। अच्छा, हाँ, तो मतलब अब ये जय श्री राम का नारा गठबंधन होने के बाद ही क्यों लगा रहे हैं? ना, पहले तो बोल तो पहले से देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी गांव में आया था 4-5 महीने पहले, उस समय राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसी गांव में लोगों ने कहा था, आप चाहे तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं,
इसी गांव में लोगों ने कहा था कि भैया बीजेपी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम राष्ट्रीय लोकदल के आदमी हैं। और ये चेंज आप देख रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं वो बताता है आपको कि किस तरह से जो लोगों के दिमाग पर काम किया है ये गठबंधन। और आगे की बात अवधि से जानते हैं जी। जी तो आपके पुराने मुद्दे सारे खत्म हो गए, मतलब सब मारे खत्म भाई। तो आन बान शान राजकुमार सांगवान, राजकुमार सांगवान, देखिए एक तो छत्तीस कौम सब वोट इसकी है। सब सब वोट सब कौम में वोट है इसकी। अच्छा क्या रही तुम्हारे? अच्छा हाँ बहुत प्यार। तो मतलब सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा, तो पहले गठबंधन हुआ, उसके बाद में बागपत सीट मिली राष्ट्रीय लोकदल को, और उसके बाद में टिकट भी मिला राजकुमार सांगवान को। राजकुमार सांगवान था दावेदार, इसको मिलना चाहिए था। हाँ वो काम हो गया। देखो पहले तो जो आपस में तालमेल बैठ गया वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुद्दे तो नए नए पैदा होते रहे, नए नए पैदा होकर वे चलते रहे। तो जैसे गन्ने का वो था थोड़ा थोड़ा फर्क रहा है, इतना नहीं है भाई, इसमें आते ही सब पलट गया। आगे उसका मूल का है वो भी चल रहा है, चलता रहेगा जी। ये मुद्दे तो कभी खत्म होने वाले हैं जी। तो खुशी तो आपकी हम देख ही चुके हैं। नहीं खुशी तो है, हम तो पैदा इसी लोग चल गए जी। आप एक बार बताइए, जो ये विपक्षी गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो कोई असर छोड़ता है? इनका कोई तालमेल ऐसा है नहीं, ना इनका आगे बात बने। ये तो ऐसे ही है, अब चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा सा मिलकर इनको वोट मिल जाए बस। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या वो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर और बीजेपी का दामन थाम लिया? उसमें कुछ राजनीति की बात ऐसी हो जो आपस में तालमेल नहीं बैठते, इसलिए जैन साहब को वहां से हटना पड़ा। अच्छा हाँ। और 2022 में जब गठबंधन किया था, तो गठबंधन करने के बाद हमने तब भी वो तस्वीरें देखी थी कि कुछ लोग स्थानीय यहाँ के मौजूद थे, आसपास के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोगों ने विरोध किया था उस चीज का कि भाई आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया। और फिर अब लेकिन आप तब भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे गठबंधन के बाद भी। हाँ। अब जब बीजेपी में चले गए आप तब भी गठबंधन के साथ हैं, मतलब बीजेपी गठबंधन वाले साथ हैं, लोकदल के साथ हैं। हाँ। मतलब जैसा वो कह देंगे ऐसे ही होगा। हाँ, जैसे जयंत चौधरी क्या होगा वैसे ही होगा। अच्छा हाँ। ऐसा क्यों कारण है, मैं वो बात जाननी चाहता हूँ। हमें जयंत चौधरी पे पूरी पूरी आस्था है। अच्छा इसलिए हम उसके साथ हैं और रहेंगे और हैं और आगे भी रहेंगे या पीछे भी, भले ही वो कहीं भी रहे कहीं भी जा रहे हाँ। रहेंगे उसकी गए हाँ। तो देखिए आप जिस तरह से कितना भरोसा है इन्हें जयंत चौधरी के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि कहीं भी रहे, चाहे विपक्षी गठबंधन में रहे तब भी साथ थे, अब बीजेपी के साथ में आ गए हैं तब भी साथ हैं। तो ये एक तरह से एक लगाव जो होता है अपने नेता के प्रति वो हम देख पा रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनके विचार जानते हैं जी। क्या नाम है? विपिन शर्मा। मतलब आपको क्या लगता है कि आप, अच्छा पहले मुझे बताइए आप लोकदल के आदमी की बीजेपी का? अब तो लग तो लेकिन अब लोकदल में आएंगे तो वोट देंगे बढ़िया। देखिए ये एक और कारण आप जो साथ में देख रहे होंगे, यहाँ जाट वर्ग के भी आदमी मौजूद हैं, और देखिए ये पंडित जी भी मिले हैं। इनका कहना है कि जब पहले बीजेपी में हुआ करते थे ठीक, अब जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन है तो ये भी स्वागत कर रहे हैं। तो यानी कि ये पूरा क्षेत्र की एक मांग थी वो यहाँ पर हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या कहेंगे आप? डॉक्टर सागवान सबसे ज्यादा समाजवादी नेता है, जितने भी अब तक आए हैं, जो सतपाल सिंह भी थे, कोई काम भी क्षेत्र में नहीं थे जी। इस क्षेत्र के लिए सागवान जी हर वर्ष तैयार रहते हैं, जो भी कोई आदमी। तो मतलब आपके हिसाब से जो बीजेपी के सांसद रहे पिछली दो योजनाओं में, उन्होंने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में, उनका कोई काम नहीं। उसके बावजूद भी बीजेपी को वोट देते रहे आप? देते रहे हाँ। लेकिन अब की बार नहीं देंगे। सागवान जी ऐसे नेता है हाँ। सबके समाज सेवी है, सबको दे। तो जैसा आपने कहा कि वो काम नहीं किया फिर भी आपने वोट दी, उसके पीछे का क्या कारण था? चक्कर ये था पार्टी को वोट। अच्छा पार्टी को वोट मिल रही थी, इस बार गठबंधन को वोट मिलेगी और उम्मीदवार को वोट मिलेगी? उम्मीदवार को मिलेगी, गठबंधन को भी मिलेगी उम्मीदवार। क्या लगता है आपको कि मन मुताबिक हो रहा है सारा काम या कुछ गड़बड़ी है? नहीं जी सर, मन मुताबिक हो रहा है, सब मन मुताबिक है। तो ये आपकी मांग थी कि भाई जयंत चौधरी चले जाए बीजेपी के साथ में,
वैसे हमारे तो ताऊ जी जैसे कह रहे हैं ऐसे ही अच्छा जैसे हमारे ताऊ जी कह रहे हैं तो आप अभी कहो मतलब कौन से क्लास में पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं मैं जी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जी फिलहाल तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो ये अग्निवीर योजना तो सरकार ने लागू कर दी थी अच्छी योजना जी फिर भी अच्छी है मतलब जयंत के जी वो होगा ना चालीस जी योजना अच्छी आई है उसे चार साल में भर्ती दोबारा निकलेगी युवकों को नौकरी मिलेगी अच्छा हाँ जी ये होगा तो मतलब इस कदम का स्वागत कर रहे हैं आप इसका भी आज स्वागत तो करना पड़ेगा कुछ दिन पहले तक विरोध था आज पहला था विरोध था देखिए एक और बात सामने आप ही के सामने निकल कर आई है शुरुआत हुई तो थोड़ा विरोध कर रहे थे फिर बाद में पता लगा अच्छी हो जाए अच्छा बाद में मतलब कैसे पता लगा आपको कि अच्छी है ऐसी पता लगा अच्छी है योजना अच्छा या मतलब किसी ने नेताओं ने बताया आपको कि ये योजना अच्छी है नेता सब अच्छी बताएं इस पार्टी का अपनी पार्टी सब बढ़िया बता रहे जी अच्छा तो अब जयंत चौधरी भी बढ़िया बता रहे हैं हाँ जी जयंत चौधरी बढ़िया अच्छा आपके क्या विचार भाई ये कदम जो लिया है जयंत चौधरी जी ने बहुत सही कदम लिया है अच्छा मेरे तो बहुत सही विचार है इसको लेकर जी फायदा ही मिलेगा इस पार्टी को बहुत ज्यादा अगले लेवल तक जाने वाली है पार्टी की तो अब आपके मतलब कोई इस तरह की गिले शिकवे नहीं बचे कोई गिले शिकवे तो कुछ ऐसे नहीं है मैं तो खैर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं भी लेकिन आप जो अग्निवीर योजना की बात कर रहे थे देखो एक तो है पार्टी जैसी जारी है उसको लेकर कुछ वो करते हैं फायदे हैं इसके नुकसान है लेकिन मेरा मानना ये है उनके जो कामों के ऊपर आलोचना होनी चाहिए या उनका वो होना चाहिए एडवांटेज कि कामों के ऊपर होना चाहिए अग्निवीर योजना जो है मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगी जी क्योंकि चार साल की योजना है चार साल में डिग्री कंप्लीट हो रही है अब चार साल में सिपाही तैयार होता है फिर क्या लड़ेगा वो तो मुझे पहले ज्यादा सही थी अच्छा ये इसको लेकर तो मेरा ये विचार है तो अभी क्या लगता है फिर आपको जैसे जैन साहब गए तो कुछ इसमें कुछ कदम हो सकता है किसानों की पार्टी है किसानों के लिए तो अच्छा ही होगा किसानों के लिए कदम अच्छे उठाएंगे जवानों के लिए उठाएंगे जवान है तो जवानों के लिए अच्छे उठाएंगे और पता चलेगा आगे देखते हैं चलिए ठीक है देखिए काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इनकी कि भाई यहाँ जैन साहब गए हैं तो कुछ काम अच्छे जो होने थे वो अच्छे होने चाहिए जी आपका क्या कहना है योगेंद्र से क्या लगता है आपको क्या विचार है आपके अच्छा और यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं गाँव के जी गाँव तो पूरा ही ऐसा जुड़ गया बहुत अच्छे तरीके से गौरव चौधरी अध्यक्ष जी हैं और अच्छा होगा जी बहुत अच्छा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोई सब मुद्दे दूर हो गए हैं सब ठीक होगा सब ठीक होगा चलिए आपका क्या नाम है ताऊ जी नगेंद्र सिंह तो आपके क्या विचार है विचार तो सही है जब जो सब बता रहे हैं हम भी गांव के साथी हैं अच्छा और हम हाँ। बढ़िया विचार है ये और समय तक ठीक करा जैन चौधरी ने लेकिन पहले हम ये मानते थे किसान विरोधी गवर्नमेंट है कुछ मतलब किसानों के हित में ज़्यादा नहीं सोचती जी बीजेपी ने ज़्यादा नहीं सोचा जैसे रेट के बारे में भी है और गन्ना पेमेंट के बारे में भी है और अग्निवीर भी मैं अच्छा नहीं मानता कि अग्निवीर योजना बढ़िया है क्यों चार साल में बच्चा क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता पहले सब सुख सुविधा थी वे भी उन्होंने खत्म कर दी थी तो जैन चौधरी के जाने से कुछ उम्मीद जगी है अगर भाई ये जाकर उसमें अपना संसद में या अपना आवाज़ उठाऊँ और किसानों के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कोई मांग करेंगे मतलब आपको काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से वो जो बुराई क्या करते थे विपक्ष में बैठ के और कहा करते थे तो एकदम से ही इतना कैसे हद परिवर्तन हो गया कि अपने मतलब दादा की छवि दिखने लगी उनको पीएम मोदी में ये तो दादा पर पोता जा ही है पहले से गाँव में भी जा जी ये तो गाँव में हमने देखा अपने दादा पर बहुत से जाए जी वो पोता चला जा लड़का नहीं जाता लेकिन अपने दादा पर पोता चला जा तो यही है कि इनके जो हालचाल हैं या भाषा है ये ऐसी है जैसे चौधरी चरण सिंह भाषण देते थे इसी तरह के ये मतलब भाषण दें और इन्हें ज्ञान नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे मेरा कहने का मतलब है कि ये जयंत चौधरी के शब्द हैं उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे पीएम मोदी में अपने दादा की छवि दिखाई देती है भारत रत्न की घोषणा होने के बाद
तो ऐसा कैसे मतलब परिवर्तन हो गया? वो भाई अपने दादा के प्रति इतना प्रेम करते थे जैन चौधरी जी, उसके दादा ने स्वागत किया, भारत रत्न मिला, तो उसने भाई ये बोल दिया कि भाई हमें अपने दादा की छवि दिखाई दे रही है। और क्या आपके क्या विचार है, कैसा लगता, क्या हुआ ये जो गठबंधन हुआ, फिर टिकट का बंटवारा हुआ? वोट तो हर बार दे रही थे पर ये रह रहा था पता नहीं जीतेगा ना जीतेगा, पर अब का जो हम वोट देंगे उसका हमें 100% ये पता है कि अब का जीत में जाएगा जी। तो देखिए ये भी सहानुभूति जुड़ी हुई है कि वोट तो देते थे जयंत चौधरी की पार्टी को ही, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि जीत होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस बार लोग कन्फर्म है क्योंकि बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन है, इसी वजह से उनको ये उम्मीदें नजर आ रही हैं कि इस बार उनके कैंडिडेट की जीत होगी, अच्छी जीत होगी। जीताओ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। क्या विचार रखते हैं आप? अच्छा आप कह रहे हैं कि अब की बार तो ईवीएम से भी खतरा नहीं है आपको? नहीं है, नहीं है। अच्छा पहले क्यों था ईवीएम से खतरा? पहले जो था हम अपोजिट थे उसके, ईवीएम के ईवीएम हमारे खिलाफ थी। अच्छा अब के हमारे फेवर में। ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन तो जहाँ ये गठबंधन था ये लोग इसे मिटाना चाह रहे थे। अच्छा जैन चौधरी मतलब इंडिया गठबंधन के बाद भी इंडिया गठबंधन वाले ये खत्म करना चाह रहे थे। करना चाह रहे थे। सीट दे दी चार, टिकट हम लेंगे भाई, मेरा कोई मतलब नहीं, तो ये नहीं जी। आपका क्या नाम है जी? क्या विचार रखते हैं? जो इन सब विचार हैं वही हमारे विचार हैं, बहुत बढ़िया हो गया ये। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन तो हुआ वो तो बहुत खुशी की बात है, उसके बावजूद जो राष्ट्रीय लोकदल को बागपत सीट मिली वो और भी ज्यादा खुशी की बात है, और जो डॉक्टर सांगवान को टिकट यहाँ से मिला है वो इससे भी ज्यादा खुशी की बात है। तो इस बार ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत यहाँ से जीत मिलने वाली है राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को। जी आपके क्या विचार हैं? क्या नाम है? मेरा नाम राम कोई खाले। क्या विचार है? विचार बहुत अच्छे हैं जी। चौधरी साहब ने जो फैसला लिया है सर्वमान्य है, सर्वमान्य क्या जी, बस ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं जैसे आज फैसला ले लिया। अच्छा हमारे नेता राजकुमार सांगवान डॉक्टर साहब जो है 36 बिरादरी में उनकी जगह है, कहीं भी कोई चले जाओ कैसे भी चले जाओ तुरंत तैयार मिलते हैं। यहाँ काम नहीं होगा फिर लेकर ऊपर जाओगे, वहाँ काम होगा, वहाँ नहीं होगा उससे ऊपर लेके चलेंगे, सब उन्हें ज्ञान है, बहुत ही अच्छे आदमी। और चौधरी साहब से कितनी उम्मीद है? चौधरी साहब से सारी उम्मीद ही है, जो भी हमारे काम किसानों के नहीं हो पा रहे थे वे पार्टी में जाकर सरकार में मिल गए, और जो भी मुद्दे उन्हें सब पते है वहाँ मुद्दे उठेंगे काम होंगे। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की, उनके मन के विचार जाने। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से जो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ ये उससे खुश है, उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकदल को बागपत सीट दी गई ये उससे खुश है, और जो आज उम्मीदवार की जो घोषणा की गई है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की इन्हें हो रही है, और काफी उम्मीदें हैं कि जो इनके नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इस क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे और फिर आगे जो इनकी जन समस्याएं हैं उनका भी निवारण करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।